हेलो फूडीज, होप आप सब ठीक होंगे। मैं ईशा एक बार फिर से आपका स्वागत कर रही हूँ दमदार किचन में एक और गजब की रेसिपी के साथ। तो फिर चलिए रेसिपी एंजॉय करते हैं। आज की रेसिपी है बहुत ज़्यादा क्रीमी और चीज़ से भरी हुई, क्योंकि हम बना रहे हैं पिंक सॉस पास्ता, वो भी मेरे शॉर्टकट तरीके से। और इसके साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसी टिप्स जिससे कि आप परफेक्ट पास्ता बॉयल कर पाएंगे। तो यहाँ मैंने ऑलमोस्ट 2 लीटर पानी बॉयल होने रख दिया था। इसमें मैं ऐड करी हूँ 2 टीस्पून नमक। ऑयल अभी नहीं डाल रहे हैं हम, बाद में डालेंगे। इसको कवर करके अच्छे से खोलने देते हैं। देखिए बहुत अच्छे से पानी खोल रहा है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 200 ग्राम मैक्रोनी पास्ता। आप किसी भी शेप का पास्ता ले सकते हैं, बस उसे खोलते हुए पानी में ही डालिएगा और डालने के बाद तुरंत इसको चला दीजिएगा। और इसके बाद इसको हम बॉयल होने देंगे। इसका जो कुकिंग टाइम होता है ना, वो हर पैक के पीछे मेंशनड होता है। तो मेरे पैकेट के पीछे लिखा था 7 से 9 मिनट, तो ऑलमोस्ट 8 मिनट हो चुके हैं। इसको हम निकाल के चेक कर लेते हैं। हमें इसे अलदांते स्टेज तक कुक करना है, यानी कि इसको जब हम कट करें तो इसमें एक बाइट होनी चाहिए, ओवर कुक नहीं करना है। तो ये परफेक्ट कुक हुआ है, ये देखिए। तो इसको हम निकाल लेते हैं और इसका जो पानी है ना वो वेस्ट नहीं करेंगे। मैं नीचे इसको कलेक्ट कर रही हूँ पानी को। और ऑयल अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अगर हम पहले ऑयल डालते ना तो हमारा ऑयल पानी के साथ वेस्ट हो जाता। अब ये हमारा पास्ता आपस में चिपकेगा भी नहीं और आप देखिए कितना शाइनी लग रहा है। और अब मैं कढ़ाई में ऐड करी हूँ 2 टेबल स्पून ऑयल और 1 टीस्पून ओरिगैनो। ओरिगैनो स्टेज पे डालने से ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन। इसको हल्का गोल्डन कर लेते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज। इनको भी हम गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे। तो ये हल्के गुलाबी हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर। तो ये जो पास्ता हम बना रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, मतलब बहुत क्रीमी होता है। आपको बहुत पसंद आएगा। पसंद आने के बाद चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और अब मैंने इसमें डाल दिया है नमक, स्वाद अनुसार मिक्स कर देते हैं इसको। और इसके बाद इसको हम कवर करके कुक करेंगे जब तक कि हमारे टमाटर सॉफ्ट ना हो जाएं। तो ये देखिए टमाटर लग रहा है कि सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको चला लेते हैं एक बार। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून मैदा। और मैदा डालने के बाद इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे। हम अलग से कोई वाइट सॉस नहीं बना रहे ना, इसलिए मैदा इसमें डाला है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दूध। पहले मैंने डाला है 1 कटोरी दूध। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे उबाल के रखा हुआ दूध था ये। और 1 कटोरी दूध और डाल दिया। इसको मिक्स कर देते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये जो हमने पास्ता का पानी बचाया था ना, वो 1 कटोरी पानी ऐड कर दिया है। और इसमें अच्छे से बॉईल आ रहा है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीज़। मैं प्रोसेस चीज़ यूज़ कर रही हूँ, जो अमूल के चीज़ क्यूब्स आते हैं ना, मैंने 2 क्यूब्स इसमें ऐड किए हैं। आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा चीज़ को कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा क्रीमी बनेगा ये। पहले भी मैं आपके साथ एक देसी स्टाइल का क्रीमी पास्ता शेयर कर चुकी हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च, मिक्स कर दिया। 2 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटो सॉस, इसको भी मिक्स कर देते हैं। और 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ चिली सॉस। आप ज़्यादा तीखा पसंद करें तो और भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए कितना ज़्यादा क्रीमी हमारा ये लग रहा है सॉस। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हमारा ये उबाल के रखा हुआ मैक्रोनी पास्ता। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। और ये देखिए कितना ज़्यादा जूसी लग रहा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ ये चीज़ ऊपर से ग्रेट करके थोड़ी सी, और थोड़े से इसमें डाल रही हूँ ओरिगैनो। ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। तो लीजिए हमारा शॉर्टकट स्टाइल का पिंक सॉस पास्ता बिल्कुल है तैयार। आप इसको बनाइए, इंजॉय करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। इंजॉय, टेक केयर।